अरे यार कोई फायदा नहीं, पूरी रात से ढूंढ रहा हूँ मैं उन्हें और अब मैं नहीं ढूंढ सकता। ये क्या है? ये वो तो नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे एक मिल गया। अरे नहीं, ये तो एक बकवासी चाबी है। वो चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं। एक मिनट, अबे लखा कदे कहीं के, वो तेरी गाड़ी की चाबी थी। ये लखा क्या कर रहा है? हाँ बेलचा, ये क्या नई मुसीबत है? मुझे सबको चेतावनी देनी पड़ेगी। अरे वाह मेरा, अब मैं तुझे अपने से कभी दूर नहीं करूँगा। हेलो, क्या तुमने अभी तक ढूंढ निकाला लखा? ओ, क्या है ना सर, अभी तक तो नहीं पर जल्दी ढूंढ लूंगा। वो नया फूलों में से एक है और एक सदी में सिर्फ एक बार ही खिलता है। पागल हिप्पी समुदाय वाले उस फूल के लिए बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार है। उस फूल को ढूंढो ताकि हम दोनों जल्द से जल्द अमीर हो जाएं। जरूर जरूर जरूर, ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं उन फूलों को कभी नहीं ढूंढ सकता, मुझे तो पता नहीं शुरुआत कहाँ से करनी है। वो यहाँ है, मुझे पता है। अरे तुम दोनों वापस आ गए। हमने सुना कि तू पूरे जंगल को खोद रहा है। बोल, हमसे झूठ बोलने के बारे में सोचा भी मत। शांत हो जाओ तुम दोनों, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कुछ ढूंढ रहा हूँ और कुछ नहीं। तुझ पे कोई भरोसा नहीं है समझे? तू ढूंढ क्या रहा है? ज्यादा होशियार मत दिखा अपने आप को लखा। नहीं 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 नहीं, मेरा भरोसा करो, मैं कोई होशियारी नहीं दिखा रहा। ये देखो। और वो क्या है? क्या ये बहुत स्वादिष्ट है? ये बहुत दुर्लभ और सुंदर है। हाँ बिल्कुल, लोग इसे खरीदते हैं और बहुत सारा पैसा देते हैं। अगर मुझे कुछ फूल मिल गए तो मैं अपने पेड़ काटने का धंधा छोड़ ही दूंगा, समझे? अगर तुमसे ये नहीं हुआ तो? जो होगा वो होगा। मुझे रात रात भर पेड़ काटने होंगे, बल्कि देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है मुझे उतने पैसे कमाने के लिए पूरा जंगल काटना पड़ जाए। क्या क्या, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सुन, हम मदद करेंगे। सच में? लखा के बच्चे, हमारी एक शर्त है, समझ गए? शर्त क्या है? अगर हमने तुम्हारी मदद की और तुम रिटायर हो गए तो तुम यहाँ से चले जाओगे, समझे? क्या बोलते हो? बिल्कुल, अमीर हो जाने के बाद मैं तो शहर में रहूंगा और वहाँ पर बहुत मजे करूंगा मैं। पक्का? हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। छोटे चलो बुलाते हैं कुछ और लोगों को, जल्दी चलो। ठीक है। ये रखो। क्या? मुझे लगता है लखा आपको सम्मान दे रहा है। तुम सब बेवकूफ हो। तुम कहना क्या चाहते हो? ये वॉकी टॉकी है, हम इससे बात करते हैं। वॉकी टॉकी? क्या ये खाना है? रुक जाओ, ये कोई नाश्ता नहीं है। ऐसा लगता है तो ये आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया। ये वॉकी टॉकी है जो बिल्कुल मोबाइल फोन जैसा होता है। वाह, सुनने में बहुत मस्त लग रहा है। ताकि हम एक दूसरे से दूर दूर रहकर भी बात कर सके, समझे क्या? वह ये जादुई है, इससे बढ़िया सम्मान मुझे किसी ने नहीं दिया। क्यों? अरे मैंने तुझे ये रखने के लिए नहीं दिया, एक बार काम खत्म हो जाए मुझे ये सब वापस चाहिए। कंजूस, सुनो मेरी बात, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया है, हम निश्चित होकर काम कर सकते हैं। याद रखना कि हम जंगल की भलाई के लिए कर रहे हैं। आओ, हम हैं वन रक्षक। और याद रखना, हम कोई खुशबूदार गुलाब या गेंदा नहीं ढूंढ रहे हैं और ना ही कोई बदबूदार मशरूम, वो बिल्कुल जड़ी बूटी की तरह है। तुम्हें वो घास वाली जगह या बाग में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ अंधेरे या नम जगह में पाया जा सकता है, समझे क्या? समझे क्या? आवाज नीचे। हम पर भरोसा रखो, समय बर्बाद मत करो, चलो। आशा है मुझे इस फैसले का पछतावा नहीं होगा। अरे मेरे लिए रुको तो। लखा ने नमी वाली जगह ढूंढने बोला था, उसने अंधेरे की भी बात की थी। हे, मुझे पता है, तू तो एकदम सही निकला। ये अच्छी बात है कि मैं अंडरग्राउंड का बादशाह हूँ, तू तो लाजवाब है डुग्गू। इस गुफा में नमी के साथ अंधेरा है, मैं प्रतिभाशाली हूँ। बाबू, हमारी मेहनत के लिए आज बहुत भुगतान किया जाएगा। महाराज, क्या आपको यकीन है कि मैं सही जगह में खुदाई कर रहा हूँ? एक सच्चे राजा के रूप में मैं कमजोर की मदद करता हूँ।
मैं कब से खुदाई कर रहा हूँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। ये क्या है? अरे नहीं, सब सुनो, मैं डुक्कू बोल रहा हूँ। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं फंस गया हूँ। डुक्कू के बारे में परेशान मत होना, पर मेरी तेल से काफी अच्छे से धुलाई हो गई है। महाराज यहाँ पर आइए। ऐसा लगता है जैसे हम जीतने वाले हैं। खोदते रहो। महाराज वो क्या है? वैसे ये संयंत्र हम टकले लखा के लिए देख रहे हैं। टकले लखा? खैर ये वो पौधा नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। ये एक बारबेक्यू की तरह लग रही है। खैर ये बहुत घटिया है। चलो बाबू। हाँ? चलो चलते हैं। आखिरकार हम आराम कर सकते हैं। हा हा हा। रेंजो ने गुफा देख लिया है। और ये तो बहुत डरावना लग रहा है भाई। ये आखिरी उम्मीद है। क्या तुम सच में इस गुफा में जाना चाहते हो? क्यों लक्का? हाँ शायद हमें वापस जाना चाहिए। तुम्हें डर लग रहा है क्या? बच्चे बाहर रुक सकते हैं। देखो मुझे डर नहीं लग रहा है। मुझे देखो देखो। देखा देखा तुमने? मैं तुमसे आगे आ गया। भाई बचाओ बचाओ मुझे। कुछ तो उन पौधों की रक्षा कर रहा है। छोटे चलो चलते हैं। अरे यार देखो, हमें उस फूल को किसी भी तरह से ढूंढना है, समझे? तुम दोनों कितने बड़े फट्टू हो। वो सिर्फ एक गिलहरी थी और कुछ नहीं। हाँ जल्दी करो, तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। लखनऊ के बच्चे ये बहुत ही खतरनाक है। मेरे लिए रुको। लखा के बच्चे कहाँ है तू? तू हमारी आवाज सुन रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे अगर टकला लखा हमें नहीं मिला तो? भाई चलो घर चलते हैं, ये बहुत ही डरावना है। भाई भाई चलो निकलते हैं यहाँ से, चलो ना जल्दी। मुझे नहीं पता, यह बहुत अंधेरा है। क्या तुम वो क्या बोलना चाहते हो कि हम इस गुफा में हमेशा के लिए फंस गए हैं? शांत रहो, लखा के बच्चे के पास टॉर्च है, बस हमें उसे ढूंढना है, समझ गए ना? ठीक है। बाप रे भागो। भाई वो क्या है? भागो। तुम्हारी आवाज एक मील दूर से सुनाई पड़ती है। माफ करना मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, मैं खुद भी थोड़ा घूम गया था। ये तो लखा है। देखो वो रहे तुम दोनों। तू हमें अकेला क्यों छोड़ कर चला गया? लखा के बच्चे तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? भागो, ये शायद गलत कार्टून में घुस गया है। तुम्हारा उतार का बोलो। अरे मेरा बेचा कहाँ चला गया? बाल बच गए। ऊपर देखो भाई, वो रहे कितने खूबसूरत हैं वो। अरे हम तो सूरज की रोशनी से दूर रखो। मुझे पता है। चलो बढ़िया, ये आराम से जाना। अलविदा लखा। बाय बाय। हेलो, हाँ मैं उन पौधों को पहुंचाने के लिए रास्ते पर ही हूँ। क्या कहा? क्या मतलब वो गैर कानूनी है? सच में मुझे उनसे अभी छुटकारा पाना होगा, मतलब मुझे वापस पेड़ काटने पर जाना।
बबलू तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो पूरी दुनिया में। सही कहा तुमने, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बबलू। ये लो, ये फूल लगा लो। वाह, एकदम बच्चे जैसे लग रहे हो। सही कहा तुमने, खलनायक आ गया तुम्हारा दिन बिगाड़ने के लिए। ये तो एक क्वेश्चन एक्सेप्ट कर रहा है भाई, मेरा दोस्त अध्यापक कटाल। शायद हम लोग फंस गए यहाँ पे। डब्लू कहाँ गायब हो गया? मौसम भी बिगड़ता जा रहा है। तुम बहुत बोरिंग हो यार, तुम बस एक ही बात बार बार बोलते हो। काश तुम मुझसे असल जिंदगी में बात करते जैसे तुम सपनों में बात करते हो। तुम समझ रहे हो ना? टकला लगा, वो इधर क्यों आया है? अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं? ये हुई ना कुछ बात, मेरी आरी एकदम गीली हो गई है। क्या आफत है, लगता है थोड़ी देर यहीं पर रुकना पड़ेगा। ये जगह का फायदा ले ही लेता हूँ मैं, देखते हैं। ये काफी आरामदायक लग रहा है, थोड़ी सी नींद मार लेता हूँ। अरे वाह, मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मेरा जूता, वो रहा। एक गुड्डा, क्या बात है, बड़ा प्यारा है। पता नहीं ये जगह कैसे पहुंच गया। यहाँ तो एक बटन है। क्या तुम मेरे सच्चे दोस्त बनना पसंद करोगे? हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। तुम तो बड़े प्यारे हो। कोई तो मेरे साथ खेलो। हेलो, मेरा नाम है लक्का। हेलो टकले लक्का, मेरा नाम है प्रोफेसर टर्डल। मुझे खुशी होगी आपका दोस्त बनने में। अरे बाप रे, पहले जैसे खिलौने क्यों नहीं बनाते आजकल ये? कोई तो मेरे साथ खेलो। ये ठीक से चल क्यों नहीं रहा? मुझे खुशी होगी आपका दोस्त बनने में। तुमने मुझे एक भालू बोला? मैं क्या एक भालू जैसा दिखता हूँ तुम्हें, खटारा खिलौने? कोई तो मेरे साथ खेलो, कोई तो मेरे साथ खेलो। तुम खुद को शक्तिमान समझते हो? देखते हैं किसकी शक्ति महान है। मेरा नाम है प्रोफेसर कर्ड। बहुत हो गया मेरे साथ खेलना, बहुत हो गया प्रोफेसर। मेरी जूती से, और जूती से याद आया। मुझे कुछ करना पड़ेगा, मेरे दोस्त को हाथ लगाने की सजा देनी पड़ेगी। नहीं, टकला लक्का के पास तो हथियार है, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, तोड़ फाड़ फिर शुरू की जाए, लेकिन फायदा क्या होगा? मेरा नाम है प्रोफेसर कर्डल। अब समझ गया, मैं तुझे फाड़ के रख दूंगा, क्योंकि फिर तू कभी बात नहीं कर पाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तब लो और सब बुलन रख, ठीक है, और उसमें आक्रमण कर। तू यहाँ क्या कर रहा है? तो तू अकेला है? मुझसे दूर रहना, मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, पीछे हट जा। हाँ डब्लू, और लक्का भी साथ में है, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। उठे अध्यापक, मुझसे बात कर, उठे ना, उठ जा।
उसे बस वो फालतू खिलौने की जरूरत थी, कमाल है। लेकिन उसने गलत किया, उसने उस खिलौने को मुझसे चुरा लिया। ये वापस ला। ये मेरा है, मुझे वापस करना है। नहीं है मेरा है, मेरा है, मेरा है, मुझे करना है। मेरा नाम है प्रोफेसर कर्ट। या ये हुई ना बात, तेरे सामने तो कुछ भी नहीं। ठीक है ठीक है, आयो आयो वापस जाए। क्या टाइम हो रहा है, क्या टकला है, टकला टाइम है, क्या लाए, क्या लाए, क्या लाए, क्या लाए, क्या जा रहा है, क्या लाए, क्या टाइम वापस जाए, क्या टाइम वापस लाए। समझ ले बेटा, तेरा प्रोफेसर मेरी गिरफ्त में है, ठीक है। और अगर अगर तू मेरे और पास आए तो मैं ऐसे बिगाड़ दूंगा। यही सोचा था मैंने, काम कर गया हो पाए। अभी भी बाहर बारिश हो रही है, थोड़ा मजा किया जाए। चलो नाच के दिखाओ डब्लू। नाच रहा? हाँ नाच के। ठीक है। ये ध्यान से, ज्यादा पास आने की जरूरत नहीं है। हाँ इतना सही है, ठीक है। अब बस अबे कुत्ते की तरह भौंक के दिखाओ। मैंने ये कभी नहीं किया। अरे कहा भी करो। हाँ ठीक है ठीक है। उससे चट्टू मुझे पीट लो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अरे वाह, ये मौका तो बहुत बढ़िया है। चलो इधर आ जाओ। आ जाओ। ए? तुम्हारी धुलाई होने वाली है। आ जाओ। तुम ठीक हो? बोलो। तुम्हें लगता है तुम बहुत होशियार हो ना? ये आवाज तो उस गुफा से निकली। बंदूक नीचे रख दे टकरे लग का। तो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। चटे मार रहा हूँ। ठीक है, मेरे सामने बंदूक बंद उठाओ। प्रोफेसर कर्टस को आगे लाइट चाउट आओ। बोटा ना है। और तो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है और चाउट चाउट से मैंने कहा। छोटे, ये क्या झमेला है? भाई। ये दूसरा मेरा कहाँ से आ गया? ये टकले लखा ने मेरे प्रोफेसर कर्टस को अपने गिरफ्त में रखा है भाई। एक मिनट रुको, इससे तो मेरा बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। डब्लू, क्या तुम्हें सच मुझे गुड्डा वापस चाहिए? और नहीं तो क्या। ठीक है तो फिर अपने भाई की पिटाई कर दो और फिर मैं तुम्हें गुड्डा वापस दूंगा। क्या लखा के बच्चे, तेरी तो सुबह इस गुड्डे के पास वक्त बहुत कम है। डब्लू, तुझे सच में वो अध्यापक चाहिए? क्यों क्यों, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, मार ले मुझे। लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ? दोनों चपर चपर करना बंद करोगे वरना इस गुड्डे को फाड़ के रख दूंगा मैं। वक्त निकलता जा रहा है छोटे, जल्दी सोच। अभी मारो। भाई की बात मान लो। मुझे काम करना। अबे ये क्या था, इसे मारना कहते हैं क्या? ज्यादा होशियारी बता रहे हो क्या? तुझे अपने प्रोफेसर की चिंता ही नहीं है? तो अध्यापक साहब, मैं तुम्हें आ रहा हूँ बचाना। तेरी तो, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अलविदा। नहीं 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 नहीं, ये सब तेरी गलती है पता है ना? अध्यापक डाल, अध्यापक डाल, नहीं मेरा डाल। छोटे मुझे माफ कर दे, तेरे दोस्त को मैं वक्त में बचा नहीं पाया। नहीं ये तेरी गलती नहीं, मेरी गलती है। मैं अपने दोस्त को खोया है और मेरे भाई को मुक्का भी मारा मैंने, गलत किया है। कोई बात नहीं छोटे, जब हम लोग छोटे थे तो खूब लड़ाई करते थे आपस में, याद है? अरे यहाँ ठीक है। वो देख, ओए डब्लू, चलो घर चलते हैं। ठीक है। ए, तेरे अध्यापक को भी साथ में लेकर चल, मैं उसको ठीक कर दूंगा। भाई तू सबसे अच्छा भाई है। छोड़ ना भाई, आखिर होते किस लिए हैं? भाई भाई।
क्या तेरी तो हेलो घर में सोया रहेगा। लेकिन सर आज तो शनिवार है। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? आज शुक्रवार है। पर कैलेंडर में तो शनिवार लिखा हुआ है। सफाई कैसे करूं? कागज की जरूरत है मुझे। गया काम से। अगर जो समय बर्बाद किया उसके लिए आज डबल काम कर लेना समझा? अरे फिर से नहीं। सर मैंने कहा ना मैं काम पर जा रहा हूँ। बेटा तुम्हारी मॉम बोल रही हूँ। मम्मी क्या हुआ मम्मी? बोला मत, कल तुम्हारे पापा का ऑपरेशन होने वाला है। मम्मी आ, 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 क्या हो गया था? क्षमा करें, आपका फोन भुगतान ना करने की वजह से काट दिया गया है। मैंने तो अभी बिल भरा हुआ था, अब क्या खून चूस गया मेरा? पापा का ऑपरेशन होने वाला है, कहीं उनको बिल्कुल नहीं। पापा मैं आपको मिलने आ रहा हूँ। पापा हेलो मम्मी। सर मेरे पापा का ऑपरेशन होने वाला है, आज मैं काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन सर ये ना इंसाफी है, लगता है मुझे काम छोड़ना पड़ेगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मेरे पास तो और कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ बहाना बना दूं तो क्या? उससे बात नहीं बनेगी क्योंकि वो फोन करके पता कर लेगा। मैं किसी हालत में नौकरी नहीं छोड़ सकता, लगता है अपने बीमार पापा को इस बार नहीं मिल पाऊंगा। किस तरह की औलाद हूँ मैं? अच्छा बेटा तो नहीं हूँ, ये बात पक्की है। अपनी आरी के बदले ये झाड़ू मेरे हाथ में क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो पता भी नहीं था कि पापा की तबीयत खराब है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे ये पेड़ काट क्यों नहीं रहा है? आरी को चालू करना ही भूल गया मैं तो। पता नहीं उन्हें हुआ क्या होगा। अरे अरे मेरा पैर। ये लुका लुका फिर से पेड़ काट रहा है, मैं तो तंग आ गया हूँ भाई। चलो उसे पकड़ते हैं। देखो तो मुझे, मैं कितना बदनसीब हूँ, मेरे पापा बीमार हैं और मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। लुका के बच्चे चल भाग यहाँ से। अरे तुम दोनों आ गए, मुझे तुम दोनों के साथ खेलने का आज मन नहीं कर रहा। मैंने क्या कर दिया? अगर वो भालू मेरी आरी तोड़ दें तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ये तो कमाल का बहाना होगा। तकले लगा वो मेरा शायद लौटा जाए। ये लो छोटे, कुछ तो गड़बड़ है। ये भी ले लो, तुम दोनों के लिए एक तोहफा है ये। क्या? क्या बात है, तोड़ डालो, अच्छे से तोड़ डालो। अब ये टूटी आ रही मेरे घर जाने का बहाना है। आज ये कुछ बदला सा लग रहा है, लगता है उसे अपनी गलती का एहसास होगा। मुझे नहीं लगता ये सही है। हेलो सर, मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। तू अब तक अपने घर में क्या कर रहा है काम चोर, बता। बात ये है मैं अभी घर आया हूँ, फिर से वो भालू आ गए थे, कमबख्तों ने मेरी आरी तोड़ डाली। मान जा। अभी फटाफट तुझे कटार भिजवाता हूँ। लगता है अपना काम पूरा करने के बाद ही घर जाने को मिलेगा मुझे, लेकिन वो भालू फिर से टांग अड़ा देंगे। ठीक है, तेरी की ये सारे फल तो पहले से ही सड़ चुके हैं, कोई बात नहीं मैं उन्हें ऐसे ही दे दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। भाई मुझे भूख लगी है।
अब बस भी कर, तूने अभी तो पेट भर के खाना खाया था, फिर से तेरे कुएं में कितनी जगह है? हाँ, यह एक बहुत बड़ी ताकत है पाजी। कल मैंने 4 तरबूज खाए थे और उसके साथ हाँ एक। ठीक है, मैं और नहीं सुन सकता, मुझे नहीं सुनना। हाँ भाई, क्या आपने वो सुना? लगता है मधुमक्खियाँ है जो शहद खाते हैं। लखा के बच्चे, वो क्या कर रहे हैं वहाँ? हाँ, चिंता मत करो भाई, वो पिछली बार की तरह अपनी कटार हमें वापस दे देगा, ये देखा। अरे लखा, अपनी कटार मुझे दे दे ठाकुर। मैंने कहा अपनी कटार मुझे दे दे लखा। अच्छा, अपने लिए खुद लिया। अरे अचानक तुझे क्या हो गया? रुका, देखो मैं इतने सारे फल तुम्हारे लिए लाया हूँ, खाओगे? खा लो। ये मेरा लिया है। जितना चाहे उतना खा सकते हो तुम, सब तुम्हारे लिए है। खाना शुरू नहीं करते। रुक जा छोटे, इसमें जहर भी हो सकता है, आंखें बंद करके टकला के बच्चे पर भरोसा मत कर। कोई खराबी नहीं है, बस थोड़े पुराने हो गए हैं और कुछ नहीं। मेरे पापा का ऑपरेशन होने वाला है, मैं उन्हें देखने जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सार मुझे रुक जा, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी लौट मिले, मेरा मुख को सच बता। अरे कुछ तो दया करो भाई लोगो, मेरे पापा बीमार है, मुझे सच में उन्हें मिलने जाना है। क्या इसका घटिया बॉस से घर नहीं जाने दे रहा है? हमें उसे अच्छे से जाना चाहिए भाई। अच्छा, ये कोई चाल भी हो सकती है, समझा तू? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे फिक्र हो रही है कि अगर मैं उन्हें नहीं मिला तो मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मुझे डर लग रहा है दोस्तों, मैं करूँ भी तो क्या करूँ? भाई मुझे लगता है ये सच बोल रहा है। बिल्कुल नहीं, मुझे इसकी एक बात का भी भरोसा नहीं है। भाई एक बार बीमार पड़ गया था, मैं रात भर उसके लिए रोया था, जागा था, भूख भी नहीं लगी थी, मैं सच में कुछ भी नहीं खाया था। अब दोनों रोना बंद करो, अगर लखा जख्मी हो जाए तो काम नहीं कर सकता, समझे तुम? ये तो सच है, मारो मारो मुझे, जोर से मारना, मैं झेल लूंगा। मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकता हूँ भाई, तू भी करो। ठीक है फिर। हेलो, कौन बोल रहा है? लखा, मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे ऐसी हालतों में काम करवाया, मुझ पर केस मत करना लखा। नहीं करूँगा, अगर मुझे कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए। जो तुम कहो, छुट्टी ले लो। यकीन हो रहा है, काम कर गया। एक बात और, मैं एक डॉक्टर भेज रहा हूँ और तुम उसे अपनी जांच करवा लेना। भालू वहाँ आ गए हैं, जांच भूल जाओ, वहाँ से तुम दबा कर भाग लो, भागो लकले लखा, भागो। अरे तुमने मुझे बचा लिया, शुक्रिया मेरे दोस्त। भाई तुम बहुत खूब हो, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हम लोग एक काम करते हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सर वो भालू। लखा बेटा, मॉम बोल रही है। पापा कैसे हैं, सब ठीक है ना? क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं। कुछ घंटे पहले ही हॉस्पिटल से वापस लाई हूँ, सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो। क्या बात है, वो वापस भी आ गए? बिल्कुल, वो बाहर आ गए हैं, उनका बस एक छोटा सा ऑपरेशन था। तुम भी ना लखा, बहुत जल्दी जाते हो। पापा ठीक है, अब मैं फिर से लकड़ी काट सकता हूँ। लखा के बच्चे, क्या कहा तूने अभी? हाँ बोल जल्दी। नहीं नहीं, देखो शांत हो जाओ, मुझे मम्मी के पास जा रहा है।
बालू, अब तुम्हें थोड़ा जल्दी करना चाहिए। ये फंस गया है, मुझे आपकी मदद चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, ये सब काम क्या अब राजा को करने पड़ेंगे? ठीक है ठीक है। क्या आप ठीक है? मैंने कहा था ना ये फंस गया है। ठीक है, मैं बस तुम्हें दिखा रहा था कि तुम क्या गलत कर रहे हो। पीछे से धक्का देना गलत है, तुम्हें कुछ और करना चाहिए। ओ हाँ, कुछ आ रहा है यहाँ। ये नियंत्रण के बाहर है। चलो बाबू, कोशिश करते रहो। जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। फलों को भूल जाओ, चलो यहाँ से चलते हैं। महाराज रुकिए, अपने आप को बचाइए। बहुत सारे बीज है। महाराज ये किस तरह के बीज हैं? बताइए। मुझे नहीं पता पर मैं पता लगा रहा हूँ। आज ग्रिजली पीक्स के पास वाले हाईवे पर 90 पर चलने वाले एक ट्रक ने अपना नियंत्रण खो दिया और एक दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में अनुवंशिक रूप से संशोधित किया हुआ बीज खो गया है। जो भी उस बीज को ढूंढ के लाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। हाँ बहुत अच्छे, मैं उस बीज को ढूंढ कर अमीर हो जाऊंगा। बाबू जल्दी करो, अब समय है खोदने का। ये तो जादुई है। बाबू जाओ और बबलू डब्लू को लेके आओ, मैं उनको दिखाता हूँ कि उनका राजा कितना बड़ा जादूगर है। रंचो, हम कहाँ जा रहे हैं? बोलो, क्या ये राजा किसी असंभव चीज के पीछे पड़ा है? कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? हा? जब तुम लोग मेरा जादुई फल देखोगे तो समझ जाओगे। समझ गए तुम लोग? जादुई फल? महाराज हम आ गए यहाँ। अब तुम्हारी आँखों को आराम देने का समय आ गया। ये पहले इतने बड़े नहीं थे। जो क्या हम इसका साथ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक तोहफा तुम्हारे राजा की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब खाने का समय है बाबू। कब तक ये काफी स्वस्थ पेड़ लगता है। ये क्या? ये असली फल है, ये कितना बड़ा है? ये तो ऊपर पहाड़ से आया है, ऊपर जाकर पता करना पड़ेगा। डब्लू, Yeah! Yeah! Nah!
यकीन नहीं होता। अरे ये तो बहुत ही मस्त है। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा फल कभी नहीं देखा है। वाह, मुझे यकीन है इसका स्वाद भी कमाल का होगा। रेंचो, आखिर ये फल आते कहाँ से हैं? ये तो काफी लंबी कहानी है बाबू। महाराज, एक सुंदर सुबह मैं बस ऐसे ही जा रहा था, अचानक एक ट्रक निकला, फिर वो टकरा गया। पीप 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 पीप। तुम्हारे राजा को देखकर शायद उसका ध्यान भटक गया होगा, और तभी मुझे ये जादुई फल मिला। इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये फल तुम्हारा नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो, ये तुम्हारे राजा का ही है। जादुई बीज है? अरे हाँ, ये तो वही परिवर्तित बीज होंगे, अगर मैं इन्हें वापस उस कंपनी में लौटा दूं तो। लखा जी, हमारे बीज वापस लाने का शुक्रिया, ये बीज विज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। ये रहा आपका इनाम जैसा कि हमने कहा था। उन बीजों को पाने के लिए मुझे कुछ सोचना होगा। ये तो टकला लखा था। लखा ने मेरे बीज ले लिए। लखा वापस आओ। लखा रुको, रुको लखा। लखा रुक जा, लखा भाग रहा है। पकड़ लेंगे लखा। पकड़ लिया लखा। मुझे लगता है वो भाग गया। वो देखो वहाँ भाग रहा है। रुक जाओ लखा। इसे दे दो। लखा को बीच में लगा कर सरकार के हैं। वो सरकार के हैं लखा। दो राव। अरे छोड़ दो मुझे, मेरा पीछा करना छोड़ दो। अरे बाप रे, भगवान वो बीज मेरे अमीर बनने का रास्ता थे।